आप देख रहे हैं नेशनल टुडे धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। वार्ड नंबर 14 के पार्षद उम्मीदवार जूली बाजी ने निःशुल्क पेंशन शिविर का आयोजन किया अपने कार्यालय में। अपने वार्ड की जनता के लिए जूली बाजी ने यह काम किया ताकि उनकी वार्ड की जनता को लाभ मिल पाए। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 14 में ऐसे लोग हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही थी। आज पेंशन योजना के तहत उन लोगों तक ये काम किया जा रहा है ताकि उन लोगों को लाभ मिल पाए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से मौके पर मौजूद टीएमसी नेता मुख्तार खान, हाजी जमीर साहब भी थे। नेशनल टुडे लैब से बात करते हुए जूली बाजी ने क्या कहा, देखिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैडम, जो आज प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। मैडम, आज हम लोग प्रोग्राम विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांगों के लिए मुफ्त में शिविर लगवाए हैं। कहाँ पे मैडम? ये है क्या, आरा मोड, मधुरिया रोड, मिलवाली चौक, मेरे ऑफिस में ही हमारे कैंप लगवाए हैं कि जो जिनका फॉर्म नहीं भराता है, जो विधवा को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, विधवाओं को नहीं मिलता है, विकलांग आज इस चीज़ से ये है, इसलिए हम लोग ये लगवाए हैं कि मुफ्त में, फ्री में बिल्कुल इसका ये लाभ उठा सके वो लोग। अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने ये काम कर दिया? मतलब अभी तक 20-30 तो अभी हो ही, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ये कैंप कितने बजे तक चलेगा मैडम? ये कैंप है 3 बजे तक। क्या कोई टारगेट मैडम आप लोगों का? हम लोगों का कोई टारगेट नहीं है। हम लोगों का ये टारगेट है कि जो काम आज तक नहीं हुआ है वो अब हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग समाज के हित के लिए निकले हैं और समाज के हित हमेशा हर वो काम करेंगे जो गरीब को लाभ नहीं होता। तो ऐसा ना हो मैडम चुनाव मुद्दा के कारण आप ये काम करा रही हैं? चुनाव मुद्दा तो आज ही नभिया, हम तो ये सेवा 11 साल से करते आ रहे हैं। और रही गया चुनाव मुद्दा, तो चुनाव अगर लोग चुनाव में हमें उतारे हैं तो ये काम तो हम करेंगे ही, जैसे आज कर रहे हैं वैसे कल भी करेंगे और हमेशा करेंगे। अपना परिचय दें मैडम। मैं जूली बाजी। बहुत धन्यवाद। आगामी वार्ड संख्या 14 की पार्षद उम्मीदवार जूली बाजी के नेतृत्व में और समाज सेवी मुख्तार भाई की देख रेख में आज हम लोगों ने एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन का आवेदन हम लोग ले रहे हैं और इस आवेदन लेने के पश्चात शीघ्र उन ज़रूरतमंदों को, लाभुकों को पेंशन का लाभ देने का कार्य हम लोग करेंगे। कितने दिनों में पैसा आ जाएगा उन लोगों के अकाउंट में? आशा करते हैं कि 10 से 15 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और लाभुकों को उनका लाभ मिलेगा। क्या टारगेट है आप लोगों का? टारगेट निश्चित तौर पर कुछ नहीं है। टारगेट हम लोग का बस यही है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उनको हम लोग लाभ दे सकें। हालांकि कहने को ये एक दिवसीय शिविर है, आज दोपहर 3 बजे तक ही है, लेकिन इसके बावजूद इस शिविर के खत्म होने के पश्चात भी यदि कोई ज़रूरतमंद हम लोगों से संपर्क करते हैं तो हम लोग उनको ज़रूर सहायता देने का कोशिश करेंगे। परिचय दें। बाजी जमीन।